मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में मेरी जरूरत नहीं है, वहां तो साधारण सा कार्यकर्ता भी चुनाव जीत जाएगा। वहीं शिवराज सिंह ने कमलनाथ को भ्रष्टाचार का नाथ भी बताया। देखिए खास रिपोर्ट। घोटाले करने वाले देश नहीं चला सकते। कांग्रेस ने कई घोटाले किए हैं, प्रदेश सरकार ने भी तबादला उद्योग खोल रखा है। एक दिन में एक ही व्यक्ति के चार चार ट्रांसफर हो रहे हैं। पैसे लाओ और ट्रांसफर ले जाओ। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जनता के नाथ नहीं बन पाए, वे भ्रष्टाचार के नाथ बन गए हैं। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में आयोजित एक सभा में कही। ये मने उद्योग चल रहा है, तबादला उद्योग। कर्मचारी मित्रों, अब याद आती होगी भाजपा की सरकार कैसी थी। जानते करे, जानता नहीं कौन है, नहीं तो ये भाषा, ये शैली और ट्रांसफर ऐसे सवेरे बैतूल में, दोपहर को शाहपुर, शाम को भोरा और रात में इटारसी। क्या बेटा, एक दिन में चार चार करवा। और इसकी भी गाथा अलग है। एक की पोस्टिंग हुई, दूसरे का वहां मुझे जाना है। कहने लगे इतने दिए तू कितने देगा, बोले इससे ज्यादा दूंगा तो इसका हो गया उसका टेंशन। दरअसल शिवराज लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे के चचेरे भाई भाजपा में शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में थोड़ी चूक हो गई। भाजपा को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस ने सभी के साथ मिलकर लंगड़ी सरकार बनाई है। वोट हमें ज्यादा मिले, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में वोट ज्यादा मिले। लोकसभा में देखे तो 17 सीटों पर भाजपा आ गया, 12 पे कांग्रेस आ गया। लेकिन विधानसभा में जरा गणित थोड़ा टेक्निकली बिगड़ गया। अगर बैतूल जिले के आसपास देखें तो हरदा में 2 में से 2, होशंगाबाद में 4 में से 4, सीहोर में 4 में से 4, विदिशा में 5 में से 4, लेकिन यह थोड़ी चूक हो गई। लेकिन चिंता की बात नहीं है, सत्ता के आने जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या हार में क्या जीत में चिंतित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, क्या परवाह की। लेकिन बहुमत उनको भी नहीं मिला, लंगड़ी सरकार बनी है। सपा बसपा निर्दलीय, हमें भी कहा था कहीं ने मामा तुम्हें बना लो। मैंने कहा ये थोड़ा थोड़ी नहीं करेंगे भाई, जब बनाएंगे फेवर बनाएंगे। वहीं भोपाल से खुद के चुनाव लड़ने पर शिवराज ने कहा कि एक दो दिन में उम्मीदवार का फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भोपाल से भाजपा का कोई साधारण कार्यकर्ता भी चुनाव जीत जाएगा, वहां मेरी जरूरत नहीं। शिवराज ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता रसगुल्ला नहीं है। हम अपनी पर आ गए तो दुनिया की किसी भी अन्याय करने वाली सरकार से लड़ सकते हैं। कांग्रेस केवल हथकंडों की राजनीति कर रही है और मध्यप्रदेश में डराने धमकाने चमकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रसगुल्ला नहीं है। हम अपनी पे आ गए तो हम दुनिया के किसी भी अन्याय करने वाली सत्ता का मुकाबला कर सकते हैं। कल परसों हो जाएगा भोपाल से, मैं कह रहा हूँ आज नोट कर लें, भाजपा का कोई भी साधारण कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि भोपाल लोकसभा सीट पर भाजपा दिग्विजय के सामने कौन सा चेहरा उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बैतूल।